और जनरली स्टूडेंट को इस सवाल से डर लगता है। मैंने बहुत से डाउट्स ग्रुप्स में ये सब क्वेश्चंस देखा हुआ है, जो मेरे डाउट ग्रुप हैं उनमें भी देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा बार भेजते हैं। ठीक है, पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि राम अकेला उस काम को करता है तो उसके 4/7 भाग को पूरा करके शेष काम श्याम के लिए छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं, राम जो दोनों में से अधिक दक्ष है, एक्सपर्ट है, उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग भी देख चुके हो और आप लोगों को पता भी होगा कि ये क्वेश्चन आपके पास कितने बार आया हुआ है। ये एग्जाम में आता है, मेंस एग्जाम में भी आता है, रेलवे के एग्जाम में भी इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आए हैं। और हम लोगों को अभी तक यही पता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एम आई राइट, यस और नो? प्लीज ये चीज हमें जरूर बताइए कि क्या किसी ने भी अभी तक इसका कोई प्रॉपर शॉर्ट सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो आज मैं पढ़ूंगा। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन पसंद आए तो उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, इस सवाल को करना क्या रहेगा? इस सवाल के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो है बेसिक मेथड। ये क्या हुआ? अच्छा, मेरा पेन ही खत्म कर दिया यार तुम लोगों ने, चीटिंग कर देते हो। ठीक है, एक तो है हमारे पास में बेसिक मेथड और दूसरा रहता है ऑप्शन। यही दोनों रहते हैं। आपको भी पता है कि बेसिक मेथड, इस सवाल को अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे तो 1 से 1.5 पन्ना भर के आओगे, सीधी चीज है। बट अगर ऑप्शन से भी जाते हो तब भी आपको इस सवाल को सॉल्व करने में लगभग आधा पन्ना तो भर ही देना होगा। ओवरऑल क्वेश्चन बड़ा टफ माना जाता है और टाइम टेकिंग होता है, और ये टाइम एंड वर्क का सबसे टफ सवाल है। और आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मेरे कॉन्सेप्ट के बाद में ये सवाल आपके लिए टाइम एंड वर्क का सबसे टफ सवाल तो नहीं रहेगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है, और रिप्लाई आप लोगों से लूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं आज के बाद ये सवाल आपके लिए सबसे टफ नहीं रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा ये रिप्लाई आप लोग करोगे। ओके, चलिए भाई, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना रहेगा। सो क्वेश्चन है हमारे पास में कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। राम अकेला उस काम को करता है और काम का 4/7 भाग पूरा करके शेष काम श्याम के लिए छोड़ देता है। टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? 114 दिन में। जब ये अलग अलग काम कर रहे थे तो 114 दिन लग रहे थे, और जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो 35 दिन लग रहे थे। यही चीजें दिख गई हैं। ठीक है, राम जो है वो ज्यादा एक्सपर्ट है, ये और एक स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, तो हमें करना क्या रहेगा? सबसे पहले इन दोनों दिनों का डिफरेंस निकाल लो। अलग अलग और एक साथ काम करके कितना दिन लग रहा था उसका डिफरेंस निकाल लो। तो 114 और 35 दिन का डिफरेंस निकाला तो कितना हो जाएगा? 79। क्लियर है? ठीक है, कहीं पर भी टफ लगे तो बता दीजिएगा। अब क्या करना है? दोनों मिलकर 35 दिन में काम को कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 35 दिन में काम को कर रहे हैं। राम ने किया 4/7 हिस्सा, तो राम ने कितना काम कर लिया? 35 का 4/7 अगर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 20 हो जाएगा। 35 का 4/7 फाइंड कर लिया, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो श्याम कितना करेगा? ऑब्वियसली श्याम 4/7 अगर राम ने किया तो श्याम 3/7 करेगा, तो 35 का 3/7 15 हो जाएगा। या फिर 35 में से 20 अगर इधर दे दिया तो 15 इधर दे देंगे। ठीक है, इतना कर लिया, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट क्या रहेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 और 15, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर प्रोडक्ट हो जाएगा 300। अब 300 के ऐसे फैक्टर कर दो कि उनका सम 79 हो जाए। 300 के ऐसे फैक्टर कर दो कि उनका सम 79 हो जाए, तो आपको पता है 75 मल्टीप्लाइड बाई 4। कहीं पर कुछ टफ नहीं लग रहा है? 75 मल्टीप्लाइड बाई 4, डन। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ। राम दोनों में एक्सपर्ट ज्यादा है, राम ज्यादा एक्सपर्ट है ना? तो राम जब ज्यादा एक्सपर्ट है तो राम को कम से डिवाइड करेंगे तभी उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो राम की जगह पे हम कम से, दो हमारे पास वैल्यू है 75 और 4, तो हम क्या करेंगे? राम एक्सपर्ट ज्यादा है तो राम को कम से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। बस दैट्स इट। ये आपका आ गया राम और श्याम की एफिशिएंसी का रेशियो। इसी को फाइंड करने में आप एक पेज भर देते हो अगर बेसिक से जा रहे हो,
ऑप्शन से जा रहे हो तो एफिशिएंसी फाइंड करने में आप आधा पेज भर देते हो, एम आई राइट, यस और नो? राम और श्याम की एफिशिएंसी का रेशियो कितना क्या? बोले 5 और 1, राम की एफिशिएंसी 5 यूनिट, श्याम की एफिशिएंसी 1 यूनिट, क्लियर? चलो भाई अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपका, क्या करना है हमें? अब देखो यार, राम अगर 5 यूनिट काम कर रहे हैं और श्याम 1 यूनिट काम कर रहे हैं तो 35 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 1 दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, तो 35 दिन में 6 × 35 काम करेंगे, दैट्स इट। बोले कि राम अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कह रहे हैं राम की एफिशिएंसी सर 5 यूनिट है, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कैंसिल किया 7 बार आ जाएगा, 7×6 = 42, और यही इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करते हैं आज आपने ये क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से समझा होगा और आज के बाद ये क्वेश्चन कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है? एक बच्चा ये बोल सकता है, बोले सर ये 75 का काम क्या है? तो मैंने बताया राम जब ज्यादा एक्सपर्ट है तो राम को कम वाले से भाग करेंगे, ठीक है? तो ये राम लिखा है तो राम अपॉन श्याम है, अब श्याम कम एक्सपर्ट है तो श्याम को बड़े वाले से डिवाइड कर दो, तो ये 75 हो जाएगा। तो चूंकि ऊपर श्याम लिखा हुआ है दैट मींस ये श्याम अपॉन राम लिखा है, तो ये भी देख लो आप 1:5 का ही रेशियो है, मतलब यहां पर श्याम 1 है, राम 5 ही है, यहां पर भी राम 5 ही है, श्याम 1 है, तो कहीं पर भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो मेन चीज क्या है कि सबसे पहली बात कि इस सवाल को जिसे आप जनरली स्किप करते थे, और आप ही नहीं मैक्सिमम टीचर्स, मैक्सिमम क्योंकि मैंने अभी तक किसी के पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं देखा है ना, तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया और जब किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है तो प्लीज, मैं कभी आपसे नहीं कहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करो, आगे बढ़ाओ, ये करो, बट हाँ ये वीडियो आप आगे भी पहुंचा दीजिएगा तो जिनको नहीं पता है वो इस सवाल के सॉल्यूशन को देख के अपने बच्चे को बता सके, ठीक है? अपने स्टूडेंट्स को ये मेथड समझा सके, और जब हमने पढ़ाया तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ और अच्छा निकाल के भी वो अच्छा बता सकते हैं। तो मेन चीज हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि हमें सीखना है, और सीखना कैसे? शेयरिंग इज केयरिंग, ऑब्वियसली, ठीक है? तो इस वीडियो को आप आगे भेजिएगा अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो, जिससे और लोग भी इससे सीख के अपने बच्चे को बता सके, जिससे कोई भी स्टूडेंट इस टाइप के सवाल को स्किप करके डर करके नहीं छोड़े। सवाल में इतना कुछ भी नहीं है, बट चूंकि अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं था तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, ठीक है? चलिए भाई, अच्छा 7 का मल्टीपल आंसर हो सकता है क्या सर? डेफिनेटली। मेन चीज क्या है कि हम लोग इस सवाल को, मैंने पहले ही बताया, हम लोग बेसिक से जाते हैं या फिर ऑप्शन से जाते हैं, बट आज हम लोग बात कर रहे हैं मेथड की, क्योंकि ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में नहीं आया, मैंने सभी सवाल रखे हुए हैं और आज सभी सवाल आप लगाओगे, क्योंकि इस सवाल पे प्रॉब्लम हमें आज के बाद नहीं चाहिए। तो आज का जो सेशन है, तो मैंने बताया था कि आज आपके लिए स्पेशल रहेगा, तो स्पेशल कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने बनाया हुआ है अभी कुछ ही टाइम, कुछ ही दिन पहले, कि आप इस टाइप के सवाल को अच्छे तरीके से डील कर सकते हो, ठीक है? और बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे तो इतना प्रैक्टिस कर जाएंगे कि ये सवाल अब कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है? और भी सवाल लगाने की कोशिश करते हैं, और जितने भी सवाल हैं सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से और से लेके आए, ये सीजीएल में आए हुए सवाल है, ये सीपीओ में आए हुए सवाल है, और रेलवे में भी ऐसे सवाल आए हुए हैं, रेलवे के भी सवाल एक रखा हुआ है मैंने, तो ये सवाल काफी बार पूछा जा चुका है और बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करते या तुक्का मार के आ जाते हैं, ठीक है? अब ये अगला सवाल देखो, अजय और विजय, और मैंने नाम भी चेंज नहीं करे, वही नाम के साथ में रख दिया जिससे आपको यह भी पता चले कि हाँ ये इस एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है? तो अजय और विजय किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, अच्छी बात है, तो दोनों मिलकर 35 दिन में पूरा कर रहे हैं, गुड। अजय अकेले काम करता है और 5/7 भाग कार्य को पूरा करता है, अच्छी बात है, फिर छोड़ देता है, और विजय बाकी काम को, विजय अकेला पूरा करता है, कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन लगे, ठीक है? दोनों में अधिक कुशल अजय द्वारा, ज्यादा एक्सपर्ट कौन है? अजय, बस आपको इतना नोट करना है, ठीक है? चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना रहेगा। तो मैंने क्या सिखाया आपको, दोनों दिनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 और 35, डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पे नहीं मेथड पे जाओ जो चीजें मैं सिखा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अगर बेसिक पे जाओगे ना तो 1.5 पेज का सवाल है मेरे भाई, मैंने क्या बोला, आपने कभी भी लगाया होगा तो यही मिलेगा, ठीक है? तो करना क्या रहेगा आपको, सीधा आप डेज के डिफरेंस पे जाओ, यही लास्ट सवाल में किया था, 114 में से 35 घटाया था, तो 90 में से अगर 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 55, डन। फिर क्या करना है, 35 का 5/7 किसने किया, अजय ने किया है, तो अजय ने कितना काम किया है उसको रख लेते हैं, अजय ने कितना काम किया है, 35 का 5/7 मतलब 25 इधर आ गया, दैट मींस विजय कितना करेगा, बोले सर 10, कोई प्रॉब्लम। अब हमने क्या सिखाया, इन दोनों का प्रोडक्ट
25 × 10 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 के ऐसे फैक्टर कर लो कि जोड़ने से 55 आ जाए। कौन कौन से फैक्टर होंगे कमेंट करके आप लोग बताओ। 250 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिनका सम 55 हो जाए, हमेशा सम करना है, कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इनके फैक्टर हो जाएंगे 50 × 5। सिंपल। अब क्या करना है, ज्यादा एक्सपर्ट कौन है? बोले अजय ज्यादा एक्सपर्ट है। तो अजय जब ज्यादा एक्सपर्ट है तो अजय को कम वाले से डिवाइड करना है, ठीक है? अजय को कम वाले से डिवाइड करना है मतलब 5 से डिवाइड कर दिया, तो अजय को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो बस ये जो आपका रेशियो आ गया, ये आपका रेशियो है अजय और विजय की एफिशिएंसी का, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है अजय, ठीक है? तो अजय अपॉन विजय की बात कर रहे हैं, दैट मींस अजय की वैल्यू हो जाएगी यहां से 5 और विजय की वैल्यू हो जाएगी यहां से 1। एफिशिएंसी आ गई फिर से वही सबका कि दोनों मिलकर 35 दिन में काम को कर रहे हैं। एफिशिएंसी निकालना ही तो सबसे बड़ा काम होता है ना हमारा, तो जब एफिशिएंसी हमने निकाल लिया 5 और 1 की एफिशिएंसी है, तो अगर दोनों मिलकर 35 दिन में काम को कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 × 35, ये टोटल काम हो गया। पूछा क्या है उन्होंने कि अजय द्वारा काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अब अजय की एफिशिएंसी है बेटा 5, तो 5 से डिवाइड कर दोगे आंसर कितना हो जाएगा, 42, और यही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन हम लोग इसके ऑप्शन से भी कर लेते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन इसका ऑप्शन से नहीं होता। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे वहां पर देखना, वहां पर ऑप्शन नहीं लगेगा, है ना? तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छा स्कोर करना चाह रहे, आजकल का टाइम वो नहीं है जैसा आज से 5-6 साल पहले था कि अगर आप मेंस के एग्जाम में 200 में से अगर आप 120-125 नंबर भी लेके आ रहे हो तो इसका मतलब आपका श्योर शॉट सिलेक्शन है। आज की डेट में 180 लाने के बाद भी बच्चा सोचता है टीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब एग्जाम देके आता तब तो उसे लगता अब तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, अब तो ये बन गए वगैरह वगैरह, लेकिन जब तक धीमे धीमे रिजल्ट पहुंचना फिर सोचता है टीए मिल जाएगा ना, अच्छा गड़बड़ लग रहा है, ये चलता है। तो आजकल के टाइम पे हमें क्या रहेगा कि हमें मैक्सिमम स्कोर करना रहेगा, और मैक्सिमम स्कोर तभी कर सकते हैं जब हम हर एक सवाल पे अप्रोच लगा सके, हर एक सवाल के सॉल्यूशन तक पहुंच सके, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सवाल का सलूशन आपको समझ में आया होगा, जो मेथड बताया है पसंद आया होगा, ठीक है? और अगर अच्छा लग रहा हो तो हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि ये वीडियो जरूर पहुंचाना, क्योंकि एग्जाम में अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ये वीडियो सब बच्चों तक पहुंच सकता है। तो सभी बच्चों तक आप नहीं पहुंचा सकते, ये बड़ा काम है, आप टीचर्स तक पहुंचा दीजिए। ऑब्वियसली वो लोग, देखो हम जो लोग टीचर्स होते ना, हमारे मन में भी रहता है कि अगर कोई नया सवाल आया ना तो उसके लिए बेस्ट मेथड मिल जाए हमें। तो अगर ये बेस्ट मेथड उन्हें मतलब समझ में आएगा कि ये अच्छा मेथड है तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को बताएंगे, है ना? कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चों को कम पढ़ाए, है ना? तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हो सके तो ये वीडियो सब तक पहुंचाइए जिससे और भी लोग इससे सीख सके। और इन सब चीजों से क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है। जब आप अपनी सोच बदलोगे ना तभी सामने वाले की सोच बदली हुई होगी, है ना? तो जब आप किसी चीज को शेयर करोगे, हो सकता है शायद कोई दूसरा टीचर कुछ अच्छा पढ़ाए जो हमें ना आता हो, तो वो लोग शेयर करके हमारे पास भी तो भेज सकते हैं, तो एक नई चीज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग कॉम्पिटिटर जरूर हैं बट एक दूसरे का सपोर्ट करके भी तो कॉम्पिटिटर बन सकते हैं ना। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए इस काम को आप कर सकते हो, ओके? तो उम्मीद करते हैं सभी को मेथड समझ में आया होगा, और आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन के, और होमवर्क भी दूंगा, है ना? होमवर्क भी रहेगा आप सभी लोगों के लिए इस सवाल में, है ना? एग्जाम के साथ साथ आपके लाइफ पे भी रोल प्ले करेंगे कि भाई कभी भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा सीखते रहना चाहिए। ये मेथड मेरे पास भी पहले नहीं था, बट जब हमने देखे कि डाउट क्लास, डाउट सेशन जो ग्रुप्स हैं उनमें बार बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि मेंस में इसके आने के पूरे पूरे चांसेस, ये चीज आपको भी पता है ना? कुछ लोग आएंगे भी बोले हम ऐसा मेथड लेके आए हैं, मेंस में ये सवाल जरूर आता है, हमारा मेथड है। कोई बात नहीं, बना लो अपना मेथड, बस बच्चों तक पहुंचा दो, दैट्स इट, है ना? किसी का भी मेथड बनाते रहो, बाकी पता ही है सब लोग को। तो ओवरऑल क्या है कि सीखते रहना चाहिए, डन। चलो भाई अब इस सवाल को लगाना है। इनके यार नाम बड़े खतरनाक खतरनाक है ना? देखो करना क्या रहेगा तुम्हें, यहां पर तुम्हारे पास है 9 दिन और यहां पर तुम्हारे पास है 1.19.5 डेज। तो डेसिमल हटा सकते हैं ना अपन, है ना? डेसिमल कैसे हटाएंगे, अब तो ये सब तुम लोग करोगे ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 195 हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। सिंपल, कितना लिखोगे यहां पे, 105। समझदार हो गए अब, ठीक? ये कितना हो चुका था, बोले सर ये हो चुका है 195 और ये हो चुका है 90, यही तो हो चुका है, ठीक है? तो ये हमारा 195 है और ये हमारा 90 है। अब 90 का माशुका जो है, माशुका मतलब लड़की, मोहब्बत पे पहुंच जाते हो,
जो भी लड़की है ना, वो 2/5 हिस्सा पूरा कर रही है। तो 90 लिया था हमने, 90 का 2/5 कितना हो जाएगा? मासूका को हम एम ए लिख ले रहे हैं, 90 का 2/5 कितना हो जाएगा? 36। और जो कौन है, मिलेना जो है, एम आई लिख ले रहे हैं, ये बचा हुआ 3/5 हिस्सा करेगी पूरा, मतलब 90 का 3/5 54 हो गया। अब आप क्या करोगे, 36 और 54 के ऐसे फैक्टर करने, जोड़ने से आपको 105 मिले, ठीक है? 36 और 54 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने से आपको 105 मिले। तो 36 है 9 × 4 × 9 × 6 = 54, और हमें पता है 9 × 81 और 24 कितना होता है, 105। तो फैक्टर कौन कौन से मिल गए आपको? भी सर फैक्टर मिल गए 81 × 24, क्योंकि इन्हीं को जोड़ने से 105 मिल जाएगा। अब क्या करना है, देखो कौन सा तेज काम कर रहा है। मासूका जो है वो मिलेना के मुकाबले ज्यादा तेज काम करती है, मतलब मासूका एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है। तो इसको कम वाले से भाग करेंगे, कम वाला कौन सा है, 24। तो इसको 24 से डिवाइड कर देंगे, डन। दैट मींस मासूका की एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास में 3। ये किससे कट जाएगा, 12 से काट दो, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24। तो मासूका की एफिशिएंसी आ गई 3 और मिलेना की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। दूसरा बच्चा अगर चाहे तो बड़े वाले नंबर को उधर से डिवाइड कर सकता है, ये हो जाएगा, ऊपर मिलेना लिखा हुआ है ना, तो ऊपर जो एफिशिएंसी होगी वो मिलेना की होगी। इसे किससे कैंसिल करें, 27 से करोगे ना, तो मिलेना 2 और मासूका 3, वही चीजें लिखी ना आपने, सारी चीजें, ठीक है। अब क्या करना रहेगा, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, एफिशिएंसी जब आ चुकी है, अब एफिशिएंसी आ गई, इन्होंने बोला पूरा काम करने में मिलेना अगर काम करे तो कितना टाइम लगेगा। भाई अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, 9 दिन में काम को कंप्लीट किया है, तो मतलब पूरा काम कितना हो जाएगा, 45। और इस काम को मिलेना पूरा करेगी, मतलब 2 यूनिट वाली, तो मिलेना पूरा करेगी कितना टाइम लगेगा, 22.5 दिन, 22.5 दिन। सभी को क्लियर हो गया, अब बताओ परफेक्ट है, समझ में आया सभी को, आंसर हो जाएगा आपका 22.5 दिन, 22.5 दिन। तो उम्मीद करते हैं आज कुछ आपने नया जरूर सीखा होगा, ठीक है। आगे के एक क्वेश्चन को आप करोगे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम होमवर्क में देंगे, और आज के बाद ये क्वेश्चन कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए भाई अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको करना है, इसमें हम आपकी कोई भी हेल्प करने वाले नहीं है, और आप लोग इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आंसर कमेंट करो, ठीक है।